Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. रूस यूक्रेन हमले के बाद कनेडियन माहिरीन तश्वीश में मुब्तला। अस्करी माहिरीन का कहना है कि कनाडा को नई दिफाई सलाहियतों में इजाफे की ज़रूरत है। आर्कटिक पर ख़तरा कम है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है। कनेडियन पैसिफिक रेलवे और यूनियन के दरमियान मुहायदा, मुलाजमीन का काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। यूनियन का कहना है कि तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक अभी भी मसाइल का सामना है। कनेडियन सूबे ओंटेरियो में हुक्मरान जमात CPC को मुखालफिन पर नफसियाती बरतरी हासिल। सर्वे के मुताबिक अवाम की बड़ी तादाद डग फोर्ट काबीना को दोबारा इक्तदार में देखने की ख्वाहिशमंद। शहरियों की अक्सरियत हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई देती है। प्यूतिन कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि यकीन है कि रूस नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रूस का कहना है कि अमरीका से ताल्लुकात तेज़ी से खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की? तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स with Allstate. अस्करी माहिरीन का कहना है कि कनाडा को अपनी खुद मुख्तारी के तहफ्फुज़ के लिए नई दिफाई सलाहियतों की ज़रूरत है और तेज़ी से इकदाम करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस के हमले ने कैनेडियन माहिरीन को आर्कटिक सिक्योरिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर ने गुज़िश्ता हफ्ते ओटावा डिफेंस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रूस के इकदाम के पेश नज़र बईद शुमाल एक अहम तश्वीश का इलाका बन गया है। माहरीन का कहना है कि उभरती हुई जुग्राफियाई सियासी सूरत हाल अहम सवालात की तरफ ले जाती है। हमें सोचना होगा कि आर्कटिक में कनाडा की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है। रिटायर्ड नायब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अब डिफेंस एसोसिएशन इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका कहना था कि वाज़ह तौर पर ये एक नया महाज बनने जा रहा है और हमें इस बारे में बहुत फिक्रमंद होना चाहिए कि रूस क्या कर रहा है। ना सिर्फ मशरकी यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में और चीन की दिलचस्पी वहाँ है। डिफेंस चीफ का कहना था कि रूस हालिया बरसों में अपने शुमाली इलाकों को मजीद अस्करी बना रहा है, बशमूल सर्द जंग के तुर्क करदा अड्डों पर दोबारा कब्जा करना। और चीन, जो आर्कटिक मुल्क नहीं है, ने इशारा किया है कि वो आर्कटिक शिपिंग लाइन तैयार करना चाहता है। ये आर्कटिक काउंसिल एक बैन अलावामी इदारा जो आर्कटिक ममालिक के दरमियान तावुन को फरोख देता है, बतौर मुबसर 2013 में शामिल हुआ। अस्करी माहरीन का कहना है कि कनाडा को अपनी खुद मुख्तारी के तहफ्फुज़ के लिए नई दिफाई सलाहियतों की ज़रूरत है और तेज़ी से इकदाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा अनीता आनंद, जो अगले चंद महीनों में आर्कटिक का दौरा करने का इरादा रखती हैं, मानती हैं कि अगरचे मौजूदा वक्त में हमारे आर्कटिक पर हमले का ख़तरा कम है, लेकिन ख़तरे की सतह बदल सकती है और हमें किसी भी मुमकिन मंजरनामे के लिए तैयार रहना चाहिए। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और मुलाजमीन के दरमियान मुहायदा तय पा जाने के बाद यूनियन ने काम पर वापस आने का ऐलान किया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और मुलाजमीन के दरमियान मुहायदा तय पा जाने के बाद यूनियन ने दोबारा काम पर वापस आने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे लिमिटेड और यूनियन, जो 3,000 कंडक्टर्स, इंजीनियर्स और ट्रेन और यार्ड के कारकुनों की नुमाइंदगी करती है, का कहना है कि उन्होंने काम की रोकथाम के लिए हतमी
और पाबंद सालसी पर इत्तेफाक किया है। एक बयान में टेंस्टर्स कनाडा रेल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान डेविड फिल्टन ने कहा कि सालसी तरजीही तरीका नहीं था, लेकिन TCRC ऐसे शराइत और जवाबित पर बातचीत करने के काबिल था जो उसके अराकीन के बेहतर मफाद में थे। उजरतों और पेंशन में अभी भी मसाइल का सामना है। CP के सदर और CEO ने एक बयान में कहा कि रेलवे कंपनी को बाइंडिंग सालिसी में दाखिल होने के मुहैदे तक पहुंचने पर खुशी है, जिससे हम सार्फीन और शुमाली अमरीका की सप्लाई चेन के लिए हमारी जरूरी खदमात को दोबारा शुरू कर सके। बयान में मजीद कहा गया है कि CP फौरी तौर पर सार्फिन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देगा ताकि जल्द अज जल्द पूरे कनाडा में मामूल की ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जा सके। वफाकी सालिसों की मदद से दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत का आगाज किया गया। सनती ग्रुप ऑटोवा पर दबाव डाल रहे थे कि वो काम की रोकथाम को खत्म करने के लिए बैक टू वर्क कानून साजी करे। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो की हुक्मरान जमात को आइंदा इंतखाबात के लिए अपने हरीफों पर बरतरी हासिल है, इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के हुक्मरान जमात को आइंदा इंतखाबात के लिए अपने हरीफों पर बरतरी हासिल है। IPSOS के एक नए सर्वे के मुताबिक सूबे में इंतखाबात के दिन से 3 माह से भी कम वक्त रह गया है। IPSOS के सर्वे में इशारा दिया गया है कि अगर कल इंतखाबात होते हैं तो डग कोर्ट की क्यादत में ऑनटेरियो PC पार्टी को फैसला शुदा मकबूल वोटों का 38% वोट मिलेगा, जिसके बाद लिबरल्स को 28% वोट मिलेंगे। एंड्रिया हॉरोविथ की क्यादत में NDP को 24% और ग्रीन पार्टी को 4% वोट मिलेंगे। रायशुमारी के नतज से ये भी जाहिर होता है कि 5% जवाब दहंदगान किसी और जमात को वोट देंगे, जबकि 13% का फैसला नहीं हुआ है। सर्वे में शामिल 7% अफराद ने इशारा किया कि वो वोट नहीं देंगे। मजमुई तौर पर PC मर्दों और औरतों दोनों में पसंद किए जाते हैं, अगरचे मर्दों में ज्यादा हैं। सर्वे से ये भी जाहिर हुआ है कि 50% ऑन्टेरियन PC की कारकर्दगी से मुतमईन है। एप्सोस ने कहा कि पोलिंग से पता चला है कि 42% ऑन्टेरियंस का ख्याल है कि फोर्ड हुकूमत दोबारा मुंतखब होने की मुस्तहिक है। ये ऐसे आदाद व शुमार हैं जो आमतौर पर इंतखाबात की रात मौजूदा वोट के तनासुब के बहुत करीब से ट्रैक करता है। ये एक ऐसा तनासुब है जिससे तरक्की पसंद कदामत पसंदों को दूसरी अक्सरियत की हुकूमत मिलेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उनके रूसी हमसर व्लादिमीर पुतिन बंद गली में फंस गए हैं, जिससे निकलने के लिए कीमियाई या हयातियाती हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि पुतिन कीमियाई या हयातियाती हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंगटन DC में एक तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन बंद गली में फंस गए हैं, जिससे निकलने के लिए कीमियाई या हयातियाती हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि यकीन है कि रूस नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दूसरी जानब यूक्रेन ने रूस की जानब से साहिली शहर मारिपोल में हथियार डालने के बदले शहरियों को निकालने के लिए महफूज रास्ता देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। यूक्रेन का कहना है कि वो इस अहम साहिली शहर से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। रूस ने यूक्रेन के साहिली शहर मारिपोल का मुहासरा कर रखा है, जहां अब लोगों तक अशियाए जरूरत और दवाएं भी नहीं पहुंच रही हैं। दूसरी जानिब रूस ने खबरदार किया है कि अमेरिका से ताल्लुकात तेजी से खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। मास्को में अमेरिकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके सदर पुतिन से मुतालिक अमेरिकी हम मनसब के बयान को नाकाबिले कबूल करार दिया गया। अमेरिकी सफीर को एहतजाजी मरासला भी दिया गया। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सफीर को दिए गए एहतजाजी मरासले में रूस का कहना था कि अमरीकी सदर जो बाइडन के रूसी हम मनसब से मुतालिक बयान ने दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया है। इस तरह के बयानात अमरीकी सदर के अहदे के शायान शान नहीं। इस किस्म के बयानात दोनों मुमालिक के ताल्लुकात के खात्मे का सबब बन सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर हमले के हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया था। टैक TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक TV। टैक TV अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक TV।